दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM रेडियो वही अपना FM 107। हमारे फिटनेस गुरु आदिल परवेज, तो उनको कहेंगे हम वेलकम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप बताएं, क्या हो रहा था? संडे का दिन, छुट्टी का दिन है आज। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है, तो बस आपको थोड़ा सा डे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हम और मैं थोड़ा लेट उठा था आज, तो बाकी फिर अपने रोजमर्रा के जो संडे के काम होते हैं वो कर रहा था। और फिर आपको बताया कि आपका सेशन भी ड्यू होता है, उसकी थोड़ी सी जो है वो उसकी थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो बस संडे अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। और आज का टॉपिक क्या है हमारा आदिल? आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने जैसे कि लास्ट सेशन में काफी डाइट के हवाले से बात की थी ना, तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डाइट से थोड़ा सा हटके, ठीक है, वो जनरल टॉपिक है और वो वर्कआउट से और एक्सरसाइज और जिम से रिलेटेड है। तो आज हम ये बताएंगे हमारे लिसनर्स को कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नए बिगनर्स या फिर जो बिगनर्स क्या जो काफी देखें जबकि उनको काफी टाइम भी हो जाता है फिर भी वो मिस्टेक वही कर रहे होते हैं और उनकी इन बॉडी में चेंज नहीं आता। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं और ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट या फिर ड्यूरिंग आप जब जिम जाए तब। होपफुली सारे जिम्स जो है वो सारे मुल्कों में और इवन के मिडिल ईस्ट में, और इंडिया मैंने देखा है कि काफी जिम्स पाकिस्तान में सारे जिम्स वगैरह खुल गए हैं और दूसरी जगह जो है उन्होंने जिम्स खोल दिए, तो काफी लोग जिम जाना दोबारा से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर तो काफी रश होता है जिम्स के अंदर, इवन के जब लॉकडाउन था तब भी लोग जो है वो अंडर कवर जिम्स वगैरह ओपन थे और लोग जो वर्कआउट के कर रहे थे, मैं भी थोड़ा बहुत अभी चला जाता था। खैर, लेकिन ये कि अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो लास्ट एक क्वेश्चन था, लास्ट वीक है आपने एक क्वेश्चन किया था। जी जी बिल्कुल, उन्होंने ये पूछा था कि मैन एंड वुमेन की जिम ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है और ये सेम होता ना होता मैन एंड वुमेन का जिम ट्रेनिंग। मैं भी आपको बता देता हूँ कि औरतों और मर्दों की जिम ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है। देखिए, अल्लाह ताला ने और कुदरत ने औरतों और मर्दों को काफी डिफरेंट बनाया है, ठीक है, उनकी फिजिक भी डिफरेंट है, उनके हार्मोन्स भी डिफरेंट है और इवन के सब चीजें काफी चीजें हमारी जो जिसामत है वो मर्दों और की डिफरेंट होती है। तो इस लिहाज से ये चीजें देखनी पड़ेंगी और हर औरत और मर्द की जो हमारी जो जिसामत है उनके हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ दी है अल्लाह ताला ने, उतनी ताकत दी है हमें। मर्दों के पास ज्यादा ताकत होती है तो वो ज्यादा जो है वो वेट भी लिफ्ट कर सकते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो औरतों के मुताबिक ज्यादा होता है। तो औरतों की जो वेट ट्रेनिंग है वो या फिर औरतों की जो एक्सरसाइज की ट्रेनिंग वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस ये भी एक डिटेल टॉपिक है, इसके बारे में हम जो है वो बाद में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, लेकिन बस मैं थोड़े से पॉइंट ही बता दूं कि जैसे कि मर्द ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं तो औरतों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं, तो वो इतनी लिफ्टिंग ज्यादा नहीं कर सकती, वेट ट्रेनिंग इतनी ज्यादा नहीं कर सकती। और दूसरी चीज है कि वो उनका मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा नहीं होता, तो उनके अंदर थकावट जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है, क्या कहते हैं, इंडोरेंस इतनी ज्यादा नहीं होती वो एज कम्पेयर टू मैन, वो ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकती। मर्द जैसे कि अगर 2 घंटे वर्कआउट कर सकते हैं तो औरतें जो है वो 1 घंटा 1.25 घंटे में उनकी जो है वो उनकी स्टेमिना जो है उनका जवाब दे देता है। तो और भी काफी डिफरेंसेस हैं, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो बात करें, क्योंकि काफी जो मैंने लिखा है पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरी जगहों पर भी के एक ही जिम ट्रेनर होते हैं, ठीक है, और वो एक्सपर्ट नहीं होते औरतों की ट्रेनिंग के अंदर भी और वो औरतों को भी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, उनको इवन के डाइट भी काफी डिफरेंट होती है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मर्दों के हार्मोन्स पे अच्छी इफेक्ट करती हैं, कुछ कुछ औरतों के हार्मोन्स पे बहुत अच्छी इफेक्ट करती हैं, क्योंकि देखिए हमारे जिस्म में जो औरतों और मर्दों के जिस्म में हम दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस है
हार्मोन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होता है और औरतों का जो हार्मोन होता है उसको एस्ट्रोजन हार्मोन कहलाता है वो, तो वो काफी डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती है, टेस्टोस्टेरोन की प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती है, तो इस हिसाब से डाइट वगैरह भी काफी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो होपफुली कि उनको ये चीजें आपको मिल चुका होगा, बाकी इंशाल्लाह अगर इन डिटेल में किसी ने इस हवाले से बात करनी है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त जी। तो फिर ठीक है, आज का जो टॉपिक आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम आ जाते हैं, और आज का टॉपिक है कि जिम मिस्टेक्स क्या क्या है, यहाँ पर वर्किंग आउट मिस्टेक्स क्या क्या है, जो बिगिनर्स या फिर जो जिम गोअर्स हैं और जो जिम जा रहे हैं लोग वो करते हैं। फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि जिम जाके एक्सरसाइज करने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप घर में भी वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो घर के वर्कआउट की अपनी एक अहमियत है, वो घर का वर्कआउट तब अहमियत आता है जब आपको जिम आपके नजदीक जिम अवेलेबल नहीं होता, या फिर किसी भी सूरत हाल में आपको जिम आप नहीं जा सकते। ठीक है, तब आप घर होम वर्कआउट को प्रेफरेंस दें। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हर जो भी फिटनेस का बंदा है या जो भी इस चीज को जाकर अपना कोई रूटीन फॉलो करना चाहता है, तो वो मैं यही उनको सजेशन दूंगा कि वो जिम ज्वाइन करें, क्योंकि एक जिम का इतना माहौल होता है। ठीक है, आप जब जिम जाएंगे तो आप काफी मोटिवेट भी हो जाते हैं, आपको एक एक जब एनवायरमेंट मिलता है ना, तो इंसान अलग, इंसान की जो मोटिवेशन है वो अलग ही बूस्ट करती है। ठीक है, तो जिम इसी वजह से जितने भी बहुत बड़े बड़े जो रिच पीपल हैं उन्होंने अपने घरों में भी जिम्स बनाए हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मतलब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनके पास घरों में जिम्स हैं अपने, उनके पास सारी मशीनरी घर के अंदर पड़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद वो जो पब्लिक जिम है वहां जाके ट्रेनिंग करते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि जो बाहर के जो जिम आप जाते हैं, जब घर से बाहर निकल के जिम जाते हैं, तो उसका एनवायरमेंट काफी डिफरेंट होता है। आप वहां जाके दूसरे लोगों से मिलते हैं, आप देख रहे होते हैं क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो आपका दिमाग भी जो है उसी को एक्सेप्ट करता है और आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। घर में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको वो उस लेवल की मोटिवेशन या उस लेवल की जो है अचीवमेंट नहीं मिलेगी, उस लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे जो एक जिम जाने वाले को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने सबको क्लियर कर दी कि जिम जाना कितना जरूरी है, और अगर आपको किसी को भी कोई फैसिलिटी मिल रही है जिम की, तो रेदर देन वर्किंग आउट एट होम वो जिम जाके एक्सरसाइज करें। ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट वाइज के की क्या जो है वो मिस्टेक्स हैं जो आजकल लोग करते हैं। ठीक है, फर्स्टली जो नए बच्चे आ रहे हैं आजकल, वो एक तो उनको मैं फ्रॉम द वेज यही बोल के, अगर आपके पास पैसा और आप एक्सरसाइज करने के पैसे दे रहे हैं, तो एटलीस्ट अपनी चीजों को पढ़ कर आए, अपना होमवर्क करें, तो अगर आपके पास उस ट्रेनर को हायर करें ताकि आप फुल रेंज ऑफ मोशन जो है वो परफॉर्म करें ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एंगल जब तक प्रॉपर नहीं होगा एक्सरसाइज, आपको जैसे कि मैंने बेंच प्रेस लगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेंच की, या फिर बिहाइंड द नेक डंबल्स की, और एक्सरसाइज के बारे में मुझे सही पता नहीं है, मैं सिर्फ इंटरनेट पे एक यूट्यूब की वीडियो देख ली मैंने, और मैंने बोला अच्छा ये लड़का, अब मैं जिम जाऊंगा और मैं वैसे ही कोशिश करूंगा और मैं उसको कॉपी सही नहीं कर पाऊंगा, और मैं गलत हसलत या फिर फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, और आधी रैप में आधी एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा मुझे नुकसान होगा कि मेरे ज्वाइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरा मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा और मुझे इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आप जिम जाए तो फर्स्ट ही आप कोशिश करें वहां पर कोई प्रोटेक्ट, जो नए बिगनर्स हैं यहाँ पर, जो लोग जिनको एक्सरसाइज के बारे में इतना नहीं पता, वो जानना चाहते हैं इसके बारे में और अच्छी एक्सरसाइज करना चाहते हैं और रिजल्ट गोल ओरिएंटेड हैं, तो उनको लाजमी किसी अच्छे ट्रेनर से गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, अगर उनके पास ट्रेनर अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करें कि उस जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको थॉरली देखें, उसको उसके बारे में पढ़ें कि किस तरह उसको परफॉर्म करना है और उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन, मैं फिर अगेन बताऊं फुल रेंज ऑफ मोशन, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो आप देख लें कि वो क्या होती है, तो वो मतलब है जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से उसकी पूरा मुकम्मल तौर पर उसको आप करें। ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट, मैं आपको ये बता देता हूँ कि यही है
जॉइंट्स जो है आपके, जो आपके जोड़ हैं वो आपके सही रहेंगे, प्रॉपर रहेंगे। अगर आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके जोड़ को बहुत नुकसान है, ठीक है, क्योंकि आप क्योंकि आपके मसल पे लोड नहीं आ रहा होता प्रॉपर, अगर आप रेंज करके और आपका सारा लोड जो है आपके जोड़ों पर जा रहा होता है, ठीक है, तो आपके ज्वाइंट्स जो है वो प्रॉपर नहीं रह पाएंगे और वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको प्रॉपर रखने के लिए जो है वो परफॉर्म करनी है प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है, और मसल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी होगी अगर आपकी एक्सरसाइज की एंगल है वो, ठीक है, अगर आपकी एक्सरसाइज के एंगल खराब है तो वो आपकी जो है वो अलाइनमेंट और जिस्म की जो है वो जो शेप है ना वो भी आउट हो सकती है, ठीक है, बनने के बजाय वो बिगड़ सकता है, ठीक है। तो आपका मसल डेवलप अच्छा होगा अगर आप रेंज ऑफ मोशन करेंगे और आपको इंजरीज भी होंगी। इंजरीज कैसे हो सकती है कि आप अगर सही एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है और जोड़ वीक हो चुके हैं तो आप शोल्डर को अपने डैमेज कर सकते हैं। तो छोटे छोटे कुछ कुछ हमारे ज्वाइंट्स होते हैं तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि ये जो हमारी एल्बो का एरिया है, शोल्डर्स के शोल्डर का एरिया है, अक्सर ज्यादातर मैं देखता हूँ कि लड़कों को दो तीन इंजरीज बहुत कॉमन होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक कमर का दर्द बहुत ज्यादा होता है लड़कों को और एक जो है वो ये शोल्डर का दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसकी जो मेन वजह है, इसकी मेन वजह जो मैंने और भी जो भी उन्होंने फाइंड आउट यही किए कि प्रॉपर एक्सरसाइज का ना करना इसकी वजह होती है। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसको गलत एंगल से परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो अल्टी आपके जो कमजोर जोड़ है ना उन पर, सबसे शोल्डर और कमर जो है वो मेन इसमें जो है वो पार्ट है इसका, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, बेल्ट लगा के एक्सरसाइज करेंगे, उसकी प्रिकॉशनिंग मेजर्स लेंगे सही प्रॉपर और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस आपकी सही होगी तो कभी भी आपके शोल्डर या कमर में इतना ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार एंगल जाओ, अगर आप वेट लिफ्ट हैवी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप जर्क ले लेते हैं, उसकी वजह से कमर में भी झटका आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा काफी लोग जो है वो मैंने देखा है वो 6-6 महीने के रेस्ट पे होते हैं या फिर वो कुछ एक्सरसाइजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पाते इस वजह से कि कमर जो है वो जवाब दे देती है। बहुत यंग लड़के हैं जिनको मैं भी जानता हूँ और भी जो भी अगर सुन रहे होंगे लिस्टर्स जिनकी कमर में तकलीफ है वो उनकी अपनी उम्र देखेंगे तो वो विद इन 30 या फिर 40 से पीछे होंगे और उनको जो है वो कमर का दर्द आ गया। तो ये इसकी बड़ी वजह है कि वो परफॉर्मेंस उनकी एक्सरसाइज में फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं वो परफॉर्म कर पा, ठीक है। तो इस चीज को मैं यही कह रहा हूँ अपना होमवर्क करें और प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट परफॉर्म करें। सेकंड जो है वो ये है कि ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं है लड़कों के अंदर ना, चाहिए ग्रिप स्ट्रेंथ वो रखें अपनी, मतलब कि जो आप वेट उठा रहे हैं लिफ्ट कर रहे हैं तो आप अपनी ग्रिप के ऊपर फोकस करें कि आप उसको पकड़ किस तरह रहे हैं, डंबल को किस तरह आप पकड़ रहे हैं या रॉड को किस तरह पकड़ रहे हैं। जब अगर आपकी जितनी स्ट्रांग ग्रिप होगी उतना अच्छी आप एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकेंगे और उतनी ही अच्छा आप वेट लिफ्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ग्रिप के ऊपर जरूर फोकस करना है हर किसी ने। और दूसरी चीज है मैं ये उनके लिए कहूंगा, दो लोग हेल्पर यूज करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर उनका पार्टनर है या फिर उनका ट्रेनर है उनके साथ, तो मैं उनके उन ट्रेनर्स को भी ये बोलूंगा या फिर उन लोगों को ये बोलूंगा कि वो जो अपना वेट है वो खुद ही रॉड में रीरैक करें और खुद ही रॉड में जो है वो इंसर्ट करें और निकालें, क्योंकि उससे इन चीजों से आपकी एक्सरसाइज जो है वो और आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो अपनी अपना जो अपना वेट है कोई कोई हेल्पर यूज ना करें, ठीक है, ये नहीं कि आपने वेट लगाया और आप उसको रखना भूल गए और उसको कोई और जो वो रख रहा है, वो जो बंदा रख रहा है उसकी उसकी ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपसे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर हम इग्नोर ना करें और अपनी एक्सरसाइज में अपना खुद वेट उठाएं और खुद उसको जब परफॉर्म करें कोई एक्सरसाइज उसके बाद खुद हम उसको रैक पे रखेंगे तो वो भी एक हमारी एक्सरसाइज हो जाती है और उससे भी हमारी ग्रिप को मदद मिलती है और वो स्ट्रांग होती है। और ग्रिप के लिए मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रिस्ट बैंड्स वगैरह भी अगर वो यूज करना चाहते हैं तो यूज करें, ग्लव्स रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ग्लव्स से जो है वो आपकी ग्रिप अच्छी नहीं होती। ये जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो इस चीज को जानते होंगे कि जो अगर आप ग्लव्स पहनेंगे तो आपकी ग्रिप जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। ग्लव्स काफी लोग इस वजह से कि उनके हाथों पे निशाना पड़े, लेकिन ये कि अगर आपके हाथों पे निशान पड़ जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उससे आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ग्रिप स्ट्रांग करनी है तो बगैर ग्लव्स के एक्सरसाइज करें। और अगर रिस्ट आपको प्रॉब्लम दे रही, काफी जो हैवी लिफ्टर्स होते हैं
उनके रिस्ट में काफी जो है वो पेन अगर हो रहा होता है या फिर वो लिफ्ट सही नहीं कर पा रहे होते आते हैं बहुत हर जिम में भी जिम्स भी आजकल बेच रहे हैं जिम के अंदर भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है बहुत चीप हैं महंगे भी नहीं है तो उससे काफी मिल जाती है तो आप रिस्ट बैंड ले लें और उससे अपनी ग्रिप जो है वो बेहतर बना सकते हैं आप ठीक है और कुछ कुछ एसेसरीज हैं और जिम जाने से एक और मैं चीज आपको बताऊं कि जिम जाने से पहले प्रिपरेशन करें ये नहीं कि काफी लोग ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट ऑफिस से भी आते हैं काफी लोग ऑफिस से भी आते हैं जो या फिर अपने काम काज से आते हैं तो उसकी प्लानिंग करें प्रॉपर अगर 7-8 बजे 9 बजे जिम आना है और अगर मैं घर जाने का टाइम नहीं तो आप सुबह ही ऑफिस से ही अपनी चीजें साथ ले जाए और जिम आइए नहीं कि आप ऑफिस से कपड़ों में जिम आ गए और आपने वो एक्सरसाइज परफॉर्म की उन्हीं कपड़ों में और आप घर चले गए ठीक है जिम जाना भी प्रॉपर एक्टिविटी है और उसको अगर आप अहमियत देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसके लिए आप अपना बैग तैयार करें वाटर बॉटल तैयार करें ग्रिप्स रखें हाथ की जो ग्रिप है वो रखें जैसे कि मैंने बोला रिस्ट बैंड रखें आप जो है वो बेल्ट अगर जिम में अवेलेबल नहीं तो बेल्ट भी लें वरना आपको कमर की अगर आप कंपाउंड सेट्स या फिर हैवी सेट्स करते हैं तो आपको कमर के दर्द का खतरा हो सकता है ठीक है बेल्ट वगैरह रखें और ये चीजें जिम जाने की प्रॉपर एक तैयारी करें और सोच के जाएं कि मैंने एक अच्छा वर्क करना है और उसके लिए आप एक प्रॉपर आपका वो होना चाहिए अटायर होना चाहिए जिम का जिसमें आप जो है वो ट्राउजर और जो है वो टी शर्ट कोई भी या फिर सैंड हो या जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है जिम का जो सूट है वो प्रॉपर आपका होना चाहिए वो आप पहन दीजिए नहीं कि आप ऑफिस के जो ड्रेस पैंट है या ड्रेस शर्ट है और उसी में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर आपके जिम में जॉगर्स अलाउड है तो आप जॉगर्स भी लेकर जाए साथ ठीक है और जिम नहीं होते तो जिम में लाजमी जॉगर्स होते हैं कि आप पहने और टावल लेके जाए टावल मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस जिम में अलाउड हैवी नहीं हो जिनमें भी लोग लेके जाए तो ज्यादा अच्छा है जैसे कि स्वेट वगैरह होता है तो वो उसको कम कर सके या फिर किसी कोई और बंदा मशीन को परफॉर्म कर रहा है तो उसका आपके जिस्म पे ना आए तो उसको भी आप क्लीन करने की कपड़ा ले लें और आप वो अपना टावल रख के फिर एक्सरसाइज करें ठीक Right. तो दूसरी चीज मैं तीसरी चीज में ये बताना चाहूंगा कि जिसमें काफी लोग जो हैं वो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत ज्यादा वाइटल हैं जो ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस हैं जो लोगों ने लड़कों ने आजकल करना छोड़ दिए हैं ठीक है उसलिए करना छोड़ दिए क्योंकि थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है तो आजकल के समझते हैं कि जो मशीन भी आई है नहीं आजकल आपको पता बहुत फैंसी जिम्स खुल गए हैं डिफरेंट मशीनरीज हैं ऐसी जो पुराने बॉडी बिल्डर्स थे वो उन्होंने कभी देखी भी नहीं होगी ऐसी ऐसी मशीनरीज आ रही है क्योंकि जिंदगी की कोशिश करते हैं कि आज से जो कंपनीज हैं कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज आसान हो जाए जो एक मुश्किल काम है वर्कआउट एक मुश्किल काम है क्योंकि उसका रिजल्ट तभी आएगा आपको वर्कआउट का रिजल्ट तभी प्रॉपर मिलेगा आपके गोल्स तभी अचीव होंगे जब आप इसको हार्ड वे करेंगे ठीक है इफ यू थिंक या फिर इफ यू फाइंड इजी वे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ठीक है तो इस वजह से काफी जो कंपनीज हैं उन्होंने मशीन जो है वो ऐसी बना चुके हैं कि वो हर चीज जो है वो कोशिश करते हैं कि वो आसान हो जाए ठीक है तो काफी जो नए लड़के आ रहे हैं वो क्या करते हैं कि जो पुरानी कंपाउंड मूवमेंट्स थी ना जो एक्सरसाइजेस पुरानी जो होती जिससे मसल बिल्ड प्रॉपर होता है जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है या फिर उससे आप अच्छा जो है वो अच्छी अपने गोल्स अचीव कर सकते वो छोड़ दी उन्होंने ठीक है वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो थोड़ी हार्ड थी तो उसमें मैं आपको एक्सरसाइज बता सकता हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज है बेंच प्रेस और ये तीन एक्सरसाइज आपने लाजिम अपने वीक के प्रोग्राम में करनी है एक के अंदर एक एक बार लाजमी आपने एक्सरसाइज करनी है मैं आपको ये और इवन के जो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं ये कंपाउंड मूवमेंट लाती है और हैवी जो है वो एक्सरसाइज इनको आपने लाजमी अपने रूटीन में शामिल करना अगर आपने इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल नहीं किया तो फिर आपको जो है वो सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो कि नहीं मिल रहा जो लोग सोच रहे हैं कि हमें नहीं रिजल्ट मिल रहा तो उसकी बड़ी वजह ये भी है कि वो जो ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है उनको अपने रूटीन से निकाल चुके हैं ठीक है ये तीन कोशिश कीजिएगा कि ये तीन एक्सरसाइजेस जरूर परफॉर्म करें जब भी आप जिम जा रहे हो तो हफ्ते के अंदर फॉर एग्जाम्पल चेस्ट है तो चेस्ट वाले दिन आपने बेंच प्रेस लाजमी लगानी है बैक या फिर लेग्स है तो उसके अंदर आप बैक थाइज लगा रहे हैं तो डेडलिफ्ट जरूर लगाएं स्क्वाट जरूर लगाएं तो ये एक्सरसाइज ऐसी है जो आपने लाजमी अपने ऊपर जो है वो कर लेनी है और आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है उससे आपकी लंग की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है क्योंकि एक्सरसाइज में आपका सांस जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है आपके जिस्म को तो आपकी लंग की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है एक्सरसाइज ठीक है और आपकी कैलोरीज भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं
फिर उसके बाद और इन एक्सरसाइजेस को आपने प्रॉपर पोस्चर के साथ, जैसे कि भी मैंने बोला कि फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करना है, पोस्चर आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए, वेट सिलेक्शन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए कि आपको ना ज्यादा ना इतना ज्यादा हो कि आपका एंकल खराब हो जाए, और इतना कम भी ना हो आप थकें ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर ऐसा वेट लेना है, और हर साइड में कोशिश किया करें कि वेट बढ़ाया करें, ठीक है, कम वेट से आए और ज्यादा की तरफ जाए, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होगी और आपका जिस्म जो है कैलोरीज भी ज्यादा बर्न कर सकेगा, पर पोस्चर के साथ प्रॉपर वेट सिलेक्ट के साथ, और इस तरह इससे आप इंजरी को अवॉइड कर सकते, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लानिंग जो है बहुत जरूरी है वर्कआउट से पहले, ठीक है, सारी चीजें हम लेके जाए। फिर दूसरी चीज ये कि गलती जो लड़के करते हैं वो रास्ते अब जिम से अब आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि वो रुके नीचे नीचे फ्रूट वाला या कोई ऐसी चीज है, उन्होंने वहीं से केले खरीदे और वो खाते खाते वो जिम आ गए, ठीक है, तो वो केले या फिर वो जो डाइट वो एक्सरसाइज से 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पहले ले रहे हैं, तो आई एम स्टिल टू से कि आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे इस वजह से, क्योंकि हर हर मील का डाइजेस्ट टाइम होता है, ठीक है, तो वो मील इनको इतना मदद नहीं कर पाएगा, वो तो अभी इनके पेट में गया ही होगा, वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होने में उसको जिस्म में लेने में कम से कम पौने से 1 घंटा चाहिए, ठीक है, तो वो टाइम फ्रेम उनको मिला ही नहीं, तो वो किस तरह जो है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, तो जब भी आप जिम आए तो कोशिश करें कि आपने लाइट मील ले, वर्कआउट मील तो मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया भी है, प्री वर्कआउट मील क्या होता है, तो वो आपने कम से कम 45 से 1 घंटा पहले लेना है, ठीक है, ताकि वो जब बन जाए तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी हो और वो आपको प्रॉपरली एनर्जी दे सके, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि नॉट जो है वो आप ये नहीं करेंगे कि वेट ऐसा यूज करें जो बहुत ज्यादा हैवी हो, ठीक है, और वो आप उससे कमांड नहीं कर सकते, ठीक है, सही। कमांड का मतलब कि आप उसका कंट्रोल ही ना हो आपका, आपने बहुत ज्यादा जैसे कि आजकल नए के जो आ रहे हैं वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, ईगो लिफ्टिंग एक टर्म है जो हम एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग के जमाने में आगे ने ये यूज होता है, इसका मतलब है कि आपने देखा कि मेरा जो दोस्त है या सामने वाला है वो तो मुझसे भी पतला है और वो लिफ्ट कर रहा है 10 kg वेट और मैं 5 किलो वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, तो यार ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे ईगो हर्ट हो जाती है, 12 kg भी कह रही यार ईगो हर्ट हो जाती है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से इसको ईगो लिफ्टिंग कहते हैं, आपकी ईगो हर्ट हो गई कि यार ये इतना किस तरह वेट लिफ्ट कर रहा है इतना ज्यादा, मैं तो इससे भी पतला हूँ, ये मुझे भी पतला है और ये इतना वेट लिफ्ट कर रहा है, उसमें आपने क्या किया वेट लगा दिया और ज्यादा वेट लगा दिया, और आपने जब एक्सरसाइज परफॉर्म की तो आप बड़े आप चौड़े हो गए पूरे जिम के अंदर, यार देखो मैंने 12 kg उठाया था, मैंने 15 kg उठा लिया भाई, देखो मेरी हालत देखो फिर भी, लेकिन उससे क्या हुआ आपको आपके मसल पे और आपके जिस्म पे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, आपका एंगल खराब है, ठीक है, तो आपके आपके जो आपने फॉर एग्जांपल मैंने बाइसेप्स ट्रेन करना है, ठीक है, ज्यादातर लड़के सबसे पहले जिम में आते हैं वो सबसे पहले बारबेल रॉड उठाते हैं और बाइसेप और ट्राइसेप लगाते हैं, क्योंकि उनको असल जो जो फोकस होता है ना लड़कों का वो सिर्फ 2-3 बॉडी पार्ट्स के ऊपर ही होता है, एक तो बाइसेप्स, बहुत ज्यादा लोग शौकीन होते हैं कि भाई हमारे बाइसेप्स बड़े हो जाए, हमारे बाइसेप्स राउंड हो जाए, बड़ा प्रॉपर शेप हो, तो सबसे लड़के जो है वो बाइसेप्स के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है मूवी वगैरह देखते हैं तो वो देखते हैं भाई ये हीरो के बाइसेप्स ही हैं, वो ही शो कर रहा होता है वो ज्यादा, तो वो ज्यादातर उसी पे कोशिश करते हैं फोकस करना और उसी पे वेट ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो इतना जर्क ले रहे होते हैं, वेट उन्होंने इतना ज्यादा उठाया हुआ होता है और वो बिल्कुल वेट उनका खुद का वेट इतना ज्यादा नहीं होता और वो पतले से होते हैं और वो वेट उठा रहे होते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता, इतना जर्क ले रहे होते हैं वो, तो ये चीज इसको आपने अवॉइड करना है, आपने भले 5 kg उठाना है, ठीक है, 5 kg लिफ्ट करना है लेकिन प्रॉपर एंगल के साथ करना है, अब आप बाइसेप लगा रहे हैं और आपके बाइसेप पे ही जोर नहीं पड़ रहा, आपकी कमर पे जोर पड़ रहा है, सारा झटका ले रहे हैं आप, पूरा शोल्डर आपका वर्क कर रहा है उस टाइम, और जो मेन मसल है बाइसेप वो रिलैक्स हुआ है, तो फिर आपके बाइसेप नहीं ग्रो करेंगे और कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है, सही। तो उस चीज को आपने जो है वो अवॉइड करना है, प्रॉपर एंगल के साथ ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, ठीक है, कोई जो बंदा अगला सामने वाला इतना ही पतला हो जो भी वेट उठा रहा हो आपको उसकी परवाह नहीं करनी, आपने फॉर्म एक्सरसाइज करेंगे, मैं काफी जी जी बिल्कुल मैं बॉडी बिल्डर्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, और अगर आप उनकी ट्रेनिंग देखेंगे तो वो बहुत कम वेट और प्रॉपर
टाइम से वेट लगा रहे होते हैं प्रॉब्लम पे, वो इतना इतना टाइम देते हैं एक मोशन को, इतनी स्लोली लगाते हैं वो, कि वो उनके जो छोटा छोटे से छोटा वेट है ना वो भी उनके मसल को बहुत ज्यादा हिट कर देता है, उनका एंगल इतना परफेक्ट होता है. उनको उनको ये चीज का अंदाजा होता है कि ईगो लिफ्टिंग जो है उनको कोई फायदा नहीं देगी. तो प्लीज इस चीज को भी अवॉइड करें. जो लोग लेग प्रेस ज्यादातर लोग लगा रहे होते हैं उसमें जो है वो तकरीबन 500-500 kg लगा रहे होते हैं और मूवमेंट उनकी जीरो होती है, तो ये मत करें, इससे आपके जिस्म को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला. ठीक है, दूसरी चीज लैक ऑफ फोकस और लेजी ट्रेनिंग बहुत हो रही है. ठीक है, लेजी ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप जब गए जिम, आपने चार सेट लगा, चार एक्सरसाइजेस किए और आपने कोई 15-45 minutes लगा दिए, चार की पूरी गैदरिंग आई भी है, तो पांच लड़के में साथ ही, ये बहुत हो रहा है. पांच लड़के बोलते, एक लड़का जाता है जिम का, तकार मैं इस जिम जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ. ठीक है, वो कहता चलो ठीक है, फिर वो दो लड़कों को और भी बताता है, वो कहता तुम भी मेरे साथ आओ. पांच लड़के इस तरह हो जाते हैं और वो क्या करते हैं अपना टाइम सेट कर लेते हैं, पांचों एक साथ जिम पहुंच जाते हैं. अब वो क्या करते हैं, वो पांच लड़के दोस्त होते हैं तो वो एक्सरसाइज कम करते हैं और तफरी, और ये वो मशीनों के ऊपर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि भाई एक बंदा सेट लगाया, फिर दूसरा बंदा सेट लगाया, तीसरा बंदा सेट लगाया. इस तरह आपका जो मसल गर्म हो रहा है, जो उसको हीट मिल रही है वो प्रॉपर मिल नहीं पाएगी, और उसको तकरीबन एक एक्सरसाइज के बाद 5-5-6 minutes का रेस्ट ले रहे होंगे एक का, उसका मसल वो सही से ट्रेन हो नहीं पाएगा जो ट्रेन करना चाह रहे हैं. और आप बिल्कुल जो है वो लेजी ट्रेनिंग होगी और आपको चार आपके आधे पौने घंटे खत्म होंगे, वो इट्स ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने वर्कआउट को प्लान करना है, अपने टाइम जो वो कैलकुलेट करना है, कितने टाइम मैंने पहले बताया था कि हर सेट के एक मिनट 1.5 minutes तक आप रेस्ट लेंगे, इससे 1.5 minutes भी बहुत बोल दिया मैंने, 1 minute से ज्यादा आपने रेस्ट नहीं लेना. ज्यादा हेवी कंपाउंड सेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपने बहुत ज्यादा हेवी सेट लगा लिया, फिर आप 1.5 minutes तक जा सकते हैं, वरना कोशिश कीजिए 1 minute के अंदर आपने दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, दूसरा सेट लगाना है आपने 1 minute के अंदर लगाना है, रिकवरी टाइम 1 minute. ठीक है, आपने ज्यादा लगाना तो ये आपके, और फोकस रखिए, मोबाइल्स अपने साइड में कीजिए. अगर आपके घर वालों को कोई आप इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं कि मैंने 1 घंटा अपने घर वालों से लिया, तो उनको कोई काम किए मुझसे या फिर ऑफिस के काम से 1 घंटा आपने स्पेयर किया, आप कोशिश करेंगे मोबाइल ना लेके जाए, तो मैं तो करूंगा कि ना, जब मैं अब तो मैं ऐसी बात है काफी वो मुझे लेके जाना पड़ता, कुछ ऐसी ऑफिस की भी चीजें होती हैं और घर की भी चीजें होती हैं, वरना तो मैं क्या करता था कि मैं जब जिम जाता था मैं अपना मोबाइल, चाबी, अपना वॉलेट जिम के दराज में रखता, नहीं जाता मोबाइल. बिल्कुल सही बात, उससे क्या होता था कि मेरा जहन जो है वो पूरा प्योर, बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा मेरा जोर है वो एक्सरसाइज से होता. राइट आदिल, अच्छा एक सवाल मेरे पास है, मैं पूछ लूं आपसे. जी असमत आदिल ने आपसे वेलकम, एक तो आपको कहा हुआ, कहते हैं कि एक सवाल है मेरा भाई, लास्ट 1 week से मैंने रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट की है और रोजाना 1-1.5 घंटा मैं वॉक करता हूँ, लेकिन वॉक के बाद मेरे पाँव सूज जाते हैं और रात को सोते वक्त पाँव में पेन की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा, तो प्लीज मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए. असमत आफरीदी, असमत आफरीदी साहब के जो पैर सूज रहे हैं उसकी वजह ये है कि वो 1-1.5 घंटा एक तो वॉक कर रहे हैं. ठीक है, वो उन्होंने कब से स्टार्ट की ये वॉक? ये एक हफ्ता हुआ है. एक हफ्ता हुआ है. ठीक है, एक हफ्ते में आप 1-1.5 घंटा वॉक कर रहे हैं तो ये तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, तो आप कम से कम 1/2 घंटे से शुरू करें और ऐसा बढ़ाए जिसको आधी घंटे पहले 1-1.5 घंटा अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वो इज टू मच फॉर यू, अभी आपका जिस्म इतना आदी नहीं है उस चीज का. दूसरी चीज है ये, आप अगर आप अपनी डाइट को देखें, आप खा क्या रहे हैं. ठीक है, क्योंकि पैर की स्वेलिंग है, ये मे भी शायद आपका यूरिक एसिड भी हो सकता है. ठीक है, तो इस चीज को आप यूरिक एसिड का चेक करवा लें. ठीक है, तो वो भी आराम से हर लेबोरेटरी में हो जाता है, अभी तो ये चेक करवा लीजिए. दूसरी चीज है कि आप 1-1.5 घंटा वॉक ना करें, और अगर आपको वॉक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी और कार्डियो वास्कुलर एक्सरसाइज पे स्विच कीजिए, आप साइकिलिंग कर लीजिए उसकी जगह पे. मे भी शायद आप वॉक ऐसे कर रहे हो कुछ ऐसा, आपकी जो है वो वे ऑफ वॉकिंग ऐसा हो जो आपके पैरों पे जोर डाल रहा हो. ठीक है, तो आप कार्डियो वास्कुलर एक्सरसाइज मैंने पहले बताई होती है, जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं, रनिंग तो खैर अभी वॉक प्रॉपरली आपकी है, जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग के अलावा साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ट्रेडमिल आप कर सकते हैं, लोअर पैंट के प्रॉपर
आप अपने जूते भी चेक कीजिए कि आप कौन कौन से जूते ऐसे वेयर कर रहे हैं। काफी नाइकी रनर्स आते हैं, इनके एडिडास में रनर्स आते हैं, काफी ऐसे शूज हैं। अगर आप गार्डन वगैरह में वॉक करें तो प्रॉपर शूज होने चाहिए, प्रॉपर सॉक्स होने चाहिए जो आप प्रॉपर उनको अवेयर करें और फिर आप जाके जॉगिंग और वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज कोई काम करें उसकी प्लानिंग करें। ठीक है, अगर कोई चीज आपको पेन दे रही है तो उसको आप चेक करवाएं। और मैंने आपको तीन चार चीजें बता दी हैं, उसको आप देखें। अच्छा, यही सवाल कमोबेश कुछ मिलता वही सरफराज जंगू का भी है। उन्होंने कह रहे हैं कि बहुत दिन से मैंने एक्सरसाइज छोड़ी भी है, अब दोबारा स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए टिप्स बताएं। तो मेरा ख्याल है सरफराज जंगू आपका भी जवाब जो है वो असमत आफरीदी वाले जवाब से मिलता जुलता ही होगा कि आपको इसी तरह से प्रॉपरली और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजें और टाइम बढ़ाना है अपना, है ना आदित? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है। प्रॉपर्ली अपने जिस्म को देखें, जब आप जिस्म काफी अरसे बाद आप कोई चीज शुरू करते हैं ना, आपकी जिस्म में मतलब कि आप वो उसका आदि नहीं होता, इम्यून नहीं होता जिस्म होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं हूँ, मैं तकरीबन 15 साल अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ या 10 साल से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे 2009 से मैं प्रॉपर ट्रेनिंग में आया था, मुझे तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। मैं अगर अभी 3 महीने रेस्ट भी लेता हूँ उसके बाद मुझे सिर्फ 1 महीना लगना है वैसी मतलब कि दोबारा से उसी चीज उसी पोजीशन में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हालांकि वो भी काफी स्लो होगी, 3-4 महीने मुझे लगते हैं सही प्रॉपर शेप में आने में। जैसे कि मैं अभी दोबारा से काफी ये क्वारंटाइन और जो बहुत सारी चीजें थी उसके बाद दोबारा से ट्रेनिंग अभी स्टार्ट की है, तो उसमें भी मुझे टाइम लग रहा है। इवन की मैं 11 साल के बाद आपको ये बात कह रहा हूँ, मुझे भी टाइम लग रहा है। तो आप अगर कुछ लोग जो है वो ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग करते हैं तो उनको आप सोचने कितना टाइम लगेगा। तो प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आप, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टार्ट करें। वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो कम वेट से करें। मशीन पे अभी अगर आप काफी अर्से बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अभी थोड़ा मशीनरी और कंपाउंड सेट्स को अवॉइड करें। 15 से 20 दिन आप अपने बॉडी को वार्म अप करें, जिस समय दर्द होगा थोड़ा आपके, लेकिन फिर आहिस्ता अर्जुन रॉय ने क्वेश्चन किया है आपसे कि सर अगर हम गलत तरीके से वेट उठाते हैं जिम में तो हमारी बोन पे क्या इसका गलत असर होगा? कह रहे हैं कि जैसे आपने बताया ना कि किस तरह से आपने कोई जो वेट है जो भी आप मतलब उठा रहे हैं जिम में, तो अगर गलत एंगल से उठाया तो उसका क्या इनकी बोन्स वगैरह पे कुछ असर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि काफी लड़के जो है वो आते हैं और वो पूछते हैं कि हमने देखें, एक तो फर्स्टली आप ये सोच लें कि अल्लाह ताला ने जो हमारी हमारी जो है वो जिस्म जो है वो एक साइड और दूसरी साइड जो है वो प्रॉपर नहीं बनाई। ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने लेफ्ट साइड और राइट साइड छोड़ी, लेकिन कुछ होंगी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, एक बाइसेप छोटा हो जाता है और एक बाइसेप बहुत बड़ा हो जाता है जो कि बहुत प्रॉमिनेंट होता है। एक चेस्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, शोल्डर थोड़े आगे पीछे हो जाता है, वो उसकी वजह यही है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाते लड़के। उनको उनकी जो है वो प्रॉपर उनका हैंडल्स नहीं होते, तो इवन के आपका जिस्म थोड़ा मतलब कि आगे पीछे हो सकता है, तो ये इतनी डेंजरस चीज है। ठीक, सही, आपकी बॉडी अगर इम्परफेक्ट हो गई तो उसको सही करने में बहुत मुश्किल लगती है, तो उसमें आपके ज्वाइंट्स पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हैंडल्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आपके ज्वाइंट जोड़ों में दर्द बैठ जाता है। मैं ये बता रहा हूँ, शोल्डर में दर्द है लड़कों के, बैक में भी दर्द है, इसी वजह से है कि उनके एंकल्स प्रॉपर नहीं है। लेकिन उनको पता ही नहीं कि नीचे कितना जो है वो झुकना है, कितना कितना ज्यादा उसको होल्ड करना है, उसको डंबल को या फिर जो भी वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीजें सारी जो है वो देखने वाली है। चीज को जो भी लड़के एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं पहले और उस चीज को पढ़ें, इस चीज को पढ़ें और किसी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर से वो रुजू करें और उनसे गाइडेंस लें। चलें जी, गुड, जबरदस्त आदिल। चलें, आज का टाइम हमारा थोड़ा मुख्तसर, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक।